अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं Vivo Y22 के बारे में। दोस्तों ये एक पावरफुल डिवाइस होने वाली है, Vivo की तरफ से ये वाई डिवाइस होगी जिसके अंदर आपको डिजाइन लुक इस फोन की बहुत पावरफुल देखने को मिली है। दोस्तों मुझे लगता था ये फोन यार काफी कम लुक के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन इस फोन की तो भाई पावरफुल लुक के साथ साथ इस फोन की डिजाइनिंग भी आपको एक अलग तरीके से की गई है। अब दोस्तों अगर आप इस फोन की तरफ जा रहे हो, आप इस फोन का इंतजार कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में इस फोन की प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे कि ये फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर कब और कितनी प्राइस के लॉन्च किया जाएगा, और साथ में क्या हमें इतनी प्राइस के अंदर सर्टिफाई करेगा नहीं करेगा। मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि यार इस फोन का वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वीडियो आखिर तक देखते रहना, बाकी आज के इस वीडियो में इस फोन के बारे में मैं आपके तमाम डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं Vivo Y22 के बारे में। अंदर एक पावरफुल लुक के साथ साथ डिजाइन भी बहुत ही अच्छा दिया गया। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस की, उसके बाद प्राइस और लॉन्च डेट भी जानेंगे। अब दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंच का देखने को मिलता है, HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और स्टार्टिंग के अंदर मैं बताता चलूं कि इस फोन की ज्यादा प्राइस नहीं होने वाली है, और ये फोन इंडोनेशियन मार्केट के अंदर डाइवर्ट कर दिया गया, और ये फोन अब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कब आएगा। दोस्तों इस फोन के अंदर अगर देखा जाए तो भाई IP सेंसिटिविटी का पैनल देखने को मिला है, और साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिला है, और मैं इस चीज से बड़ा सैटिस्फाई हूं कि यार इस फोन के अंदर 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिला। नहीं तो बहुत ऐसी डिवाइसेस जो पैनल भी आपको IPS का देते हैं और साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देते हैं, लेकिन इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छा रिफ्रेश रेट भी देखने को मिला है और पैनल भी आपको अच्छा देखने को मिला है। अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाइज की, तो भाई ये स्मार्टफोन किलर है, सीरियसली किलर, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला, जो कि हर किसी डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं चिपसेट की, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको देखने को मिलता है MediaTek Helio G85 का चिपसेट देखने को मिल रहा है, जो ये समझ ले कि एक अच्छा चिपसेट दिया गया, और इतनी प्राइस वाले स्मार्टफोन के अंदर बहुत कम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 85 का चिपसेट देखने को मिला, जो कि कमाल है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस फोन के अंदर चिपसेट। अगर दोस्तों देखा जाए दोस्तों इस फोन के अंदर दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, 4GB के साथ 64GB देखने को मिलेगी, और 6GB के साथ 128GB भी देखने को मिलेगी। और Vivo की तरफ से एक और पॉइंट, जो कि माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, डुअल सिम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और साथ में अगर देखा जाए दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मेमोरी रैम के हवाले से अगर देखा जाए तो भाई इतनी रैम के अंदर आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं वेरिएंट की जो प्राइस बताऊंगा पहले वेरिएंट की बताऊंगा, बाकी दूसरा जो वेरिएंट होता है आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत ही प्राइस का फर्क पड़ जाता है, लेकिन पहले वेरिएंट की प्राइस बता देते हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर पहले वेरिएंट की जो प्राइस होगी 4GB के साथ 64GB वाले वेरिएंट की, उसकी 35,000 के राउंड होगी, और इसी के राउंड ये फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहां पर इंडियन मार्केट के अंदर देखा जाए तो ये फोन आपको 12,000 के राउंड देखने को मिलेगा, जो कि एस्पेक्ट है कि इसी के राउंड ये फोन देखने को मिलेगा। अब यहां पर लॉन्च रेट की बात की जाए दोस्तों, ये फोन इंडोनेशियन मार्केट के अंदर तो भी डाइवर्ट कर दिया गया, अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी और इंडियन मार्केट के अंदर आपको 2 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर ये फोन आपको पाकिस्तान और इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि एस्पेक्ट यही किया जा रहा है कि इस फोन का आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर दोस्तों इस फोन का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा और कर लो तो ये फोन आपको अच्छे लुक के साथ देखने को मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं कैमरे वाइज की। दोस्तों बैक साइड पे आपको डुअल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है, मेन सेंसर 50MP का देखने को मिला, सेकंड आपको 2MP का देखने को मिला, जो इसकी सेल्फी है वो आपको 8MP के साथ देखने को मिली है, लेकिन यही है कि आपको थोड़ी सी सेल्फी कम दी गई, लेकिन 13MP तक देखने को मिलती काफी अच्छा था, लेकिन भाई 35,000 के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलनी थी। लेकिन बैक पर बहुत ऐसी डिवाइस हैं जो कम प्रोवाइड करती है, जो कि 13MP बैक पर देती हैं, लेकिन इसने 50MP दिया। मैं इसका कंपैरिजन भी बनाने वाला हूं, बहुत जल्द बनाने वाला हूं, जो कि इससे अगले वीडियो के अंदर आपको कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत ऐसी डिवाइसेज होंगी जो इसका मुकाबला नहीं करती होंगी। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है कि इस फोन के साथ, इस बैटरी के साथ आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिली है, जो कि यहां पर बहुत कम है कि आपको फास्ट चार्जिंग नहीं दी जाती है, लेकिन भाई इसके साथ देखने को मिली है। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस फोन का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो भाई इस फोन को बाय कर सकते हो, बाकी अगर रिकमेंड करूं तो भाई इस फोन की तरफ अगर जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, लेकिन आपने अपना जहन देखना कि आपका जहन मानता है नहीं मानता है। बाकी मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि यार अगर आपको इस फोन के अंदर स्पेसिफिकेशन, मैं यही कहूंगा कि प्राइस के अंदर सेटिस्फाई कर रही है, बाकी दोस्तों आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि यार अगर आपको इस फोन के अंदर कैमरा अच्छा लगा है, परफॉर्मेंस अच्छी लगी, तो बाय कर सकते हो। बाकी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस फोन के अंदर आपको क्या, मतलब इस फोन के क्या थॉट्स देखने को मिले हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।